हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस, आज यूपी एपीओ के पेपर देने के बाद थोड़ा फ्री फील हो रहा है गाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए थोड़ा बहुत आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि क्वेश्चन पेपर से मार्क करना कि क्या क्या मैंने सही किया है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे क्या है ये, अब फ़ायदा है। बट फिर भी गाइस, आंसर जानने चाहिए, क्या पता कभी आप कोई और पेपर में बैठो और यही क्वेश्चन आ जाए, तो सही आंसर जानना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पेपर को डिस्कस किया जाए। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो है ये पार्ट वन है, जिसमें हम लोग पहला 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जनरल नॉलेज पे बेस्ड था। ठीक है, तो गाइज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में मैं आपको इसका जो सारे आंसर्स हैं, आंसर की है, वो भी प्रोवाइड करूंगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गाइज, ये पेपर का सीरीज बी था, तो बी सीरीज का है। क्वेश्चन सारे सेम होते हैं गाइज, पर यही है कि आगे पीछे दिया रहता है, तो मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ ये सीरीज बी है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ करेंटली बेस्ड ऑन। फोर ऑप्शन दिए गए थे, अर्बन कंज्यूमर, रूरल कंज्यूमर, होलसेल और कम्बाइंड। तो गाइज, इसका सही आंसर है कम्बाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए इसको मार्क भी कर देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट दीजिएगा। ये है डी। ओके, नेक्स्ट है, रोहतास फोर्ट इन पंजाब वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई। ओके, तो इसका आंसर गाइज होगा शेर शाह सूरी, ए। फिर है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड अदर रीजन। तो इसका आंसर गाइज है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर गाइज ए है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि हमारा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन उत्तर प्रदेश। अभी ये जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था उससे रिगार्डिंग भी गाइस क्वेश्चन पूछा था। तो इसका सही आंसर है बी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, और ये 5 ये है। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, ये 4 क्वेश्चंस थे एक पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा है, द डेट फॉर द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो ये तो गाइस बहुत ही सिंपल था, सभी को ये इसका आंसर पता होगा गाइस, 26 नवंबर 1949। इसका आंसर क्या है, ए है। इसके बाद था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इसमें पेयर्स अलग अलग दिए गए हैं गाइज। ठीक है, श्रृंगीरा रामपुर, फिर दाऊजी, लोधेश्वर, श्रृंगावरपुर। तो इसका देखिए 2 दिया हुआ है ए और डी, तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज थे गाइज, पर इसका सही आंसर है ए, ए करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। तो एंडेस माउंटेन, डी। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल अपराइजिंग। तो कौन थे, बेंजामिनी डिसरेल, सी। ओके, इसके बाद गाइज, द ओशन टाइड्स आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। 1887 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरी वॉज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड। ये भी गाइज बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये पहले 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं गाइज। अब नेक्स्ट पेज पे फिर से मैच द फॉलोइंग थी, मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका आंसर जो करेक्ट था वो डी था। ठीक है, डी था। जैसे कि अब कैसे है कि देखिए, पांड्या का क्या था, मदुरा। ठीक है, इसके बाद देखिए बी का 3 था, यादवा का देवगिरी।
ओके इसके बाद सी का क्या था गाइस, सी का 2 था वारंगल, और डी का क्या था 1 था. ओके तो डी इसका करेक्ट आंसर था. अब 12th क्वेश्चन है, द रैडर यूज्ड फॉर पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या था इसका आंसर गाइस, बी डॉपलर इफेक्ट. इसके बाद 13th वाला देख लेते हैं. 13th का गाइस आंसर होगा आपका सी. ओके 14th, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी इन बर्लिन, इसका आंसर गाइस होगा बी लाला हरदयाल. ओके 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशन, इसका आंसर होगा गाइस सी. ओके अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. अब 16 क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द ए होल इंस्क्रिप्शन, तो इसका सही आंसर गाइस होगा आपका ए. ठीक है इसका सही आंसर है ए. नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ मोंटे चेल्मस फॉर रिफॉर्म्स वॉज, तो इसका आंसर है गाइस 17th का आंसर है आपका ए टू हेल्प जनरेट पब्लिक. ओके इसके बाद है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. ओके अब दो स्टेटमेंट दिया है और ऑप्शन है ओनली 2 ओनली 1 नीदर 1 नॉर 2 बोथ ए एंड बोथ 1 एंड 2, तो इसका आंसर गाइज होगा ओनली 2. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बस ये सही है. ठीक है फिर है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मुंबईज गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन था गाइज, इसका आंसर है जॉर्ज विटेट. ठीक है 19 का सी. फिर है, विथ रेफरेंस टू द बी आर अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कंडक्ट करेक्ट, अब बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, अब उसमें पूछा था कि इसमें से क्या करेक्ट है गाइज, तो दोनों करेक्ट था. ही फॉर्म द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ही फाउंड द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, तो इसका आंसर है डी. ओके अब नेक्स्ट चलते हैं. अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा 21th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अब इसमें भी दो क्वेश्चंस दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या कौन कौन से इसमें से सही है गाइज, तो गाइज इसका आंसर है डी बोथ 1 एंड 2, दोनों जो है अर्बनाइजेशन हेल्प्स रिड्यूसिंग द बर्थ रेट और हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट, ये दोनों सही है, तो इसका आंसर है गाइज डी. इसके बाद था 22nd क्वेश्चन, ये भी करेक्ट आंसर वाला ही था कि दो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से क्या सही है या दोनों सही है, तो इसका आंसर है गाइस बी पहला वाला ही सही था, शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब. ओके इसके बाद था 23rd क्वेश्चन, इसमें पूछा था इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज इनलिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल दिया गया है, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था गाइस, इसका सही आंसर है 7th शेड्यूल में दिया गया है. ओके अब चलते हैं 24th क्वेश्चन पे, अब इसमें भी पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं था, ध्यान दीजिएगा नॉट पूछा गया, नॉट करेक्टली मैच, तो इसका आंसर है डी. 25th है, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेडोलॉजी का पूछा गया, हाँ पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इसका सही आंसर है सॉइल. ओके अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द मराठास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एक चीज आप नोटिस करेंगे गाइस, करेक्ट वाले करेक्ट और नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इस बार पूछे गए थे, तो इसमें दोनों गलत हैं. ठीक है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, नीदर 1 नॉर 2 आंसर है इसका. ठीक है दोनों ही गलत थे. अब 27th भी सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर है गाइस बी.
ठीक है, इसमें क्या पूछा था कि इज आर करेक्ट, तो जो ओनली वन इज करेक्ट, कमांडर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. अब सेकेंड है फैथोमीटर इज यूज टू मेजर, ठीक है. अब 28 का सही आंसर है गाइज डी, डेप्थ ऑफ सी. ओके, अब नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन टाइटल द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम्स. ओके, एक ऑथर का भी क्वेश्चन आया था, इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग. इसके बाद 30th क्वेश्चन क्या था, कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन के बारे में पूछा गया था, किस बैंक रिवर बैंक से सिचुएटेड है, ये था क्वेश्चन. हाँ, तो 30 का क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, ठीक है. 30 क्वेश्चंस गाइस हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं. अब 31st क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ, एक मिनट, बहुत ब्लर्ड है गाइस, तारीके राशिदी, रशिदी. हाँ, 31st क्वेश्चन का गाइस आंसर मैं आपको बता देती हूँ, सी है, मिर्ज़ा हैदर तुगलक. ओके, सॉरी, सी है गाइस. इसके बाद 32 है हु वॉज द ऑथर ऑफ गांधी वर्सेस लेनिन, ठीक है. 32 का आंसर है ए, एसे डैंग. ओके, अब फिर मैच द फॉलोइंग है गाइज, मैच द फॉलोइंग का मैं आपको बता देती हूँ, करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, आप एक बार मैच करके देख लीजिएगा. 34 है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन इंडिया इन May 2022. ये गाइज करंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसका सही आंसर है ए, जनरल मनोज पांडे. ये आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा. अब नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वन द 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2022. ये भी गाइस करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था और इसका सही आंसर था हरियाणा, ठीक है. द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर है नॉर्मन ई बॉर्लेग, ठीक है. फिर 37, फिर मैच द फॉलोइंग था, इसका सही आंसर गाइज बी है, आप एक बार मैच करके देख लीजिएगा आपने सही किया है कि नहीं. अब 38 वाला फिर करेक्ट आंसर जो भी है कोड दिए गए हैं आपको मैच मतलब जो सही है वो टिक करना है, तो इसका सही आंसर डी है, दोनों ही सही है, ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 39th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वन द एशियन बिलार्ड्स टाइटल फॉर द एट्थ टाइम पूछा था, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था गाइस और इसका सही आंसर है पंकज अडवाणी. ओके, फिर था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द कैस्पियन सी, डज नॉट पूछा था, शेयर नहीं पूछा था, तो इसका सही आंसर है बी. ओके, फिर है हु प्रपोज द रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन December 1920 इन नागपुर. ओके, इसका सही आंसर है गाइस बी, सी आर दास. फिर है विथ रेफरेंस टू द माउंट पूछा है, फिर ठीक है, इसमें दो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें भी कोड वाला सिस्टम था, तो इसका सही आंसर गाइस है डी, दोनों ही सही थे. सी वीट्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो इसका सही आंसर है आयोडीन. इन विच जैन लिटरेचर द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद्स ऑफ 6th century BC इज फाउंड, इसका आंसर है ए, भगवती सूत्रा. ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव सक्सेसफुली टेस्ट fired the world's most powerful intercontinental ballistic missile Samrat in April 2022. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि ये किसी का गलत होगा गाइज, रशिया. ओके, सॉरी, इसका सही आंसर है रशिया. 46th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन, इसका सही आंसर है डी, केसी नियोगी. ओके, 47th क्वेश्चन है, फ्रॉम April 2022 विच इंटरनेशनल प्लेयर हैज़ बीन बैंड बाय एपेक्स बॉडी ऑफ स्विमिंग फीना, ठीक है, तो इसका सही आंसर है गाइस सी, एवजेनी रायलोव.
फिर है करेक्टली मैच्ड वाला क्वेश्चन, जिसका सही आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसका सही आंसर है सी, ये करेक्टली मैच्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, इसका सही आंसर है लेक विक्टोरिया। एंड लास्ट है द डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 110। ओके गाइज, तो ये थे हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चन गाइज जीके के। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने पार्ट वाइज बनाया है, पहले पार्ट में ये और दूसरे पार्ट में हम लॉ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइज। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको सही सही आंसर आपको पता चल गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट हो कि मैंने कोई आंसर गलत बताया तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी पता चलेगा कि कोई आंसर अगर गलत हो तो। ठीक है गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, APO का एग्ज़ाम कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कट ऑफ है वो जनरल वालों के लिए बात चल रही है कि 106 से 112 के बीच में जा सकती है। ठीक है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, ये एक एस्टिमेशन है गाइज। अब बाकी रिजल्ट आने और कट ऑफ आने पे ही पता चलेगा गाइज। तो अब तो पेपर हो गया है, अब AIB की तैयारी करिए। अब देखिए कब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, एग्ज़ाम जहाँ तक है अक्टूबर में होने की पूरी पूरी संभावना है गाइज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर। एंड अगर चैनल पे न्यू हो गाइज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए। बाय।